दर्शकों को एक और ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं इस आंदोलन से जुड़े कुछ और अहम बिंदुओं को लेकर, क्योंकि हमने बताया कि तीन कानून क्या हैं, उनको लेकर क्या प्रावधान सरकार की तरफ से रखे गए हैं, क्या सरकार दावा कर रही है और क्या आपत्ति जाहिर की जा रही है। लेकिन सड़क पर किसान और कब तक समाधान? किसान तो सड़क पर है लेकिन उसे समाधान कब तक मिलेगा? वो जो मुद्दे उठा रहा है, क्या उसका समाधान है सरकार के पास? सड़क पर किसान है और समाधान का उसे इंतजार है। हरियाणा सरकार तैयार है। हरियाणा में कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी मनोहर लाल खट्टर की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो नहीं आगे बढ़ने देंगे। 25 और 26 नवंबर को पंजाब से लगते बॉर्डर को सील किया जाएगा, यानी आज से ही इसकी शुरुआत हो गई, इन बॉर्डरों को सील किया जाएगा। 26 और 27 नवंबर को हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को भी सील कर दिया जाएगा। साथ ही लोगों को एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, बताया जा रहा है कि आप इन दिनों में बॉर्डर पर या अगर आप सीमा के पार जाना चाहते हैं पंजाब की तरफ या दिल्ली की तरफ तो ना जाएं। हरियाणा सरकार तैयार है। सीएम खट्टर की अपील है कि पंजाब दिल्ली जाने से बचें, यानी इन दोनों इलाकों में पंजाब की तरफ जाने से हरियाणा से और पंजाब दिल्ली की तरफ जाने से बचें। कोरोना काल में दिल्ली कूच करना ठीक नहीं है, ये दलील दे रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, लेकिन किसान इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अर्थहीन आंदोलन में शिरकत ना करें किसान, ये सलाह भी दी है मनोहर लाल खट्टर ने कि किसान जिस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं वो अर्थहीन है। दिल्ली चलो आह्वान को वापस लेने के लिए कहा है मनोहर लाल खट्टर ने। उन्होंने अपील भी की है कि आप आंदोलन को वापस ले लें, ये व्यर्थ का आंदोलन है और इस आंदोलन में शामिल होकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं किसान, ऐसा कहना है मनोहर लाल खट्टर का। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।